दोस्तों 17वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। नव निर्वाचित सांसदों द्वारा शपथ ग्रहण कर ली गई है। आज हम उड़ीसा की केओंझर लोकसभा सीट से बीजू जनता दल की टिकट पर चुनी गई चंद्रानी मुर्मू की बात करेंगे। चंद्रानी को लोकसभा की सबसे कम उम्र की सदस्य चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। आज हम चंद्रानी के परिवार और राजनीतिक सफर के बारे में भी बताएंगे। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके यंग इंडिया के लिए दो शब्द कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलो अब शुरू करते हैं। चंद्रानी मुर्मू ने भुवनेश्वर की ओएसए यूनिवर्सिटी से 2017 में मैकेनिकल इंजीनियर में बीटेक की डिग्री ली थी। आम ग्रेजुएट की तरह वह भी बैंक में पीओ लगने या किसी निजी कंपनी में जॉब की तलाश कर रही थी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद बीजू जनता दल के नेताओं ने चंद्रानी के मामा हरमोहन सोरेन के माध्यम से संपर्क किया। चंद्रानी के नाना हरिहरन सोरेन 1980 और 1984 में केओंझर से कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, लेकिन पिछले दो दशक से सोरेन परिवार का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। चंद्रानी कहती है कि राजनीति में आने और एमपी बनने का कभी सोचा भी नहीं था। वह अपने एमपी बनने को भाग्य का खेल बताती है। चंद्रानी मुर्मू का जन्म 16 जून 1993 को हुआ था। उसके पिता संजीव मुर्मू सरकारी कर्मचारी हैं। चंद्रानी की माता उर्वशी घरेलू महिला है। 23 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के समय चंद्रानी की उम्र 25 साल 11 महीने और 9 दिन थी। आज लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के समय भी चंद्रानी की उम्र 26 वर्ष पूरी नहीं हुई थी। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंडियन नेशनल लोकदल के दुष्यंत चौटाला के नाम था। दुष्यंत चौटाला 16वीं लोकसभा के लिए हिसार से चुने गए थे। इतना ही नहीं, चंद्रानी लोकसभा के सबसे कम संपत्ति वाले सदस्यों में तीसरे स्थान पर है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के अनुसार चंद्रानी की कुल संपत्ति 3,40,000 रुपए है। 17वीं लोकसभा में अब तक की सबसे ज्यादा महिला सांसद चुनकर आई हैं। इस लोकसभा के लिए चुनी गई महिला सांसदों की संख्या 78 है। महिला आरक्षण बिल पास होने से पहले ही उड़ीसा ने 33% महिलाओं को चुनकर भेजा है। उड़ीसा की कुल 21 लोकसभा सीटों में से 7 महिलाएं चुनी गई हैं। यह कमाल उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजू जनता दल के प्रमुख नवीन पटनायक के कारण संभव हुआ है। नवीन पटनायक ने पार्टी की एक तिहाई टिकट महिलाओं को देने की घोषणा की थी। इस फार्मूले ने बीजू जनता दल के लिए भी काम किया। बीजू जनता दल के चुनाव जीतने वाले 12 उम्मीदवारों में से 5 महिलाएं हैं। नवीन पटनायक केओंझर से किसी पढ़ी लिखी महिला को उम्मीदवार बनाना चाहते थे और यह तलाश चंद्रानी पर आकर खत्म हुई। चंद्रानी ने दो बार सांसद रहे भाजपा के अनंत नायक को करीब 70,000 मतों से हराया है। केओंझर की लोकसभा सीट जनजाति के लिए आरक्षित है। चंद्रानी को 5,26,000 वोट मिले हैं। कांग्रेस के मोहन नायक भी मैदान में थे, लेकिन चंद्रानी मुर्मू के लिए यह लड़ाई आसान नहीं थी। भाजपा ने चंद्रानी के खिलाफ हर तरह के हथकंडे अपनाए। चंद्रानी के दस्तावेजों में पिता के नाम को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की गई। चंद्रानी की अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाली गई। इस संबंध में पुलिस ने भाजपा के सोशल मीडिया सेल से संबंधित कुछ युवाओं को गिरफ्तार भी किया था। चंद्रानी ने कहा कि उसने कभी सोचा भी नहीं था उसके साथ इस तरह से शरारत की जाएगी। चंद्रानी ने कहा कि किसी भी महिला को इस तरह से जलील नहीं किया जाना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद चंद्रानी को अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। वह मानती हैं कि उसके संवाद कौशल में सुधार की जरूरत है। देश के कच्चे लोहे के 20% भंडार उत्तरी उड़ीसा के केओंझर जिले में हैं। यहाँ अन्य खनिज पदार्थों का भी भंडार है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी और अशिक्षा इस जिले की पहचान बन गई है। चंद्रानी जिले के युवाओं, महिलाओं और जनजातियों के लोगों के लिए बेहतर करना चाहती है। वह बड़े वादे करने की बजाय परिणाम देना चाहती है। चंद्रानी का इरादा भुवनेश्वर और केओंझर के बीच रेल लाइन बनवाने और युवाओं के रोजगार के लिए स्टील प्लांट स्थापित कराने का है। चंद्रानी कहती है कि वह केओंझर जिले के युवाओं और महिलाओं का केंद्र में प्रतिनिधित्व करेगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।